मध्य प्रदेश के सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर डाक मत पत्रों की गिनती पूरी हो गई है। जी हां, पोस्टल वैलेट पेपर की गिनती में रहली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पंडित गोपाल भार्गव 903 मतों से आगे बताए जा रहे हैं, जबकि सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा 639 मतों से आगे होना बताए जा रहे हैं। वहीं सागर जिले की बंडा विधानसभा सीट पर डाक मत पत्रों की गिनती में कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी ने 1016 मतों से बढ़त बनाई है। वहीं सागर जिले की नरियावली विधानसभा में डाक मत पत्रों की गिनती में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी 483 मतों से आगे होना बताए गए हैं। वहीं सागर जिले की देवरी विधानसभा सीट पर डाक मत पत्रों की गिनती में कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष यादव 719 मतों से आगे हैं। वहीं सागर जिले की बीना विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला सप्रे ने डाक मत पत्रों की गिनती में बाजी मारी है और 871 मतों से बढ़त बनाई है। वहीं सागर जिले की सबसे चर्चित खुरई विधानसभा सीट से डाक मत पत्रों की गिनती में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह 1017 मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं सागर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र जैन भी डाक मत पत्रों की गिनती में आगे होना बताए जा रहे हैं। बहरहाल सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर डाक मत पत्रों की गिनती पूरी हो चुकी है और अब ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती शुरू हो गई है और पहले राउंड के नतीजे भी कुछ ही देर में आपके सामने आ जाएंगे। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी, नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44 बामौरा सागर मध्य प्रदेश।